अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देशभर में आक्रोश है। अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए कई जगहों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस बीच राजनीतिक दलों के नेताओं का अंकिता के परिजनों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की आवाज अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अंकिता की हत्या मामले में पटवारी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया है कि सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज होने और उन पर कार्रवाई में काफी समय लग जाता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को चाहिए कि इस सिस्टम को अविलंब खत्म करने का आदेश जारी किया जाए। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तो हो ही रही है अंकिता भंडारी केस में, लेकिन अब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक भी सुनाई दे रही है। नहीं, इसमें ये याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि उत्तराखंड में जो पटवारी जो ये प्रणाली है इसको खत्म किया जाए, और इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यूयू ललित जी जो कि मुख्य न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आज संभवतः इसमें कोर्ट अपने जजमेंट देगा, लेकिन जिस तरीके से अंकिता प्रकरण के मामले में जो हमारी उत्तराखंड की जो पटवारी प्रणाली है उस पर सवाल खड़े हुए हैं, और याचिकाकर्ता ने इसी मामले का जिक्र किया है। उसने ये कहा है कि जो पटवारी प्रणाली है उसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये जो पूरी प्रणाली है ये काफी इसमें काफी खामियां हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में 18 तारीख को इस पूरे मामले में उनके परिजन पटवारी के पास गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें इधर उधर भटकाया गया। कई पटवारी ने पुलिस प्रशासन के पास भेजा, वो पुलिस प्रशासन के पास जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने पहले प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो पटवारी से मांगने के लिए कहा। तो इस तरीके से ये जो ये तालमेल है इसको लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में पूरी सुनवाई होनी है, और आज कहीं ना कहीं इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी न्याय की मांग हो रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, और उसकी गूंज अब सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दे रही है।